कायनात की है और मालिक शश्ते हाथ की। अल्लाह जल्ला वाला की हमदो सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफीए उमम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूम मालिक रकाब उमम फ़ख्रे अरब अजम वाली कोनो मकाम सयाह लाल मकाम सैयद इंसो जान सरवर दादा रुखा नैयर ताबा सर नशीन महवशा माह खूबा शहन शाह हसीना ततिमाए दौरा सर खैल जोरा जमाला जलवाए सुबह अजल नूर ज़ाते लम अजल बाय से तखली के आदम व बनी आदम अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नाज में अपनी अकीदतों इरादतों मोहब्बतों और न्याजमंदियों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबत हज़रत क़िबला प्रोफेसर इफ्तिख़ार अली चिश्ती साहिब ज़िंदा मज़दूर मोहतरम क़िबला शाह साहिब दीगर उलमा किराम हज़रात सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ईमान से कुछ कहने का हुक्म सादर किया गया है। मैं थोड़े वक्त में कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। कुरान मजीद से जो कलिमात मैंने तिलावत किए हैं उसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब की ज़ुबान से ये बात कहवाई कि ऐ महबूब तुम इरशाद कर दो, ऐ लोगों मैं तुमसे तबलीगे दीन पर कोई सिला तलब नहीं करता। हकीकत यही है कि जब तबलीग सिले और सताइश की आरज़ू से मुबर्रा हो तो अपने दामन में तासीर रखती है, वरना हवाओं में उड़ती हुई तितलियों की तरह लफ्ज़ अपना रंग तो जमाते हैं लेकिन मन में उतरने से खाली होते हैं। वही लफ्ज़ रूह की गहराई तक उतर जाते हैं जो अस दिल खेजत पर दिल बेजत। इसलिए जिन लोगों ने भी काम किया और अल्लाह ने जिन लोगों से काम लिया वो बेलौस रहे। बिलखसूस अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़वात पर तो ऐसा इल्ज़ाम भी आए, अल्लाह ने इस इम्कान को भी रद्द किया। हमारे सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है कि फिरौन को एक ख्वाब आया था जिसकी ताबीर पूछने के लिए मुअब्बिरीन के पास गया तो उन्होंने कहा कि तेरी राजधानी में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्त और ताज को उलट के रख देगा। तो वो तकब्बुर और रौनक मेरे लहजे में बोला कि मैं वो बच्चा पैदा ही नहीं होने दूँ। इस तरह उसने 70,000 बच्चे कत्ल करवा दिए। उलमाए तफसीर कहते हैं 90,000 हमल करवा दिए। फिर लोगों ने कहा इस तरह तो नस्ल खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा चलो एक साल बच्चे कत्ल कर दिया करो और एक साल छोड़ दिया करो। जिस साल वो बच्चे कत्ल करवाता था उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और जिस साल वो बच्चे छोड़ता था उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ सख्त परेशान हुई कि फिरौन के सिपाही मेरे बच्चे को उठा करके ले जाएंगे और कत्ल कर देंगे। माओं के दिल बड़े नरम और गदास होते हैं। औलाद के लिए मोहब्बत और प्यार का जो अंदाज माँ बाप के सीने में है उसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं। शायद समुंदर की पाताल तक तो कोई पहुँच गया हो लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। एक शायर ने माँ के प्यार को बड़े खूबसूरत पैराए में बयान किया। वो कहते हैं मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। कहा बचपन में मेरे मुंह से निकला था अम्मी मुझे रात को डर लगता है, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, मेरी माँ इसी ख्याल में रहती है कि मेरे बेटे को कहीं डर ना लग रहा। ये माँ के प्यार का एक रूप है, ये माँ की मोहब्बत का एक अंदाज है। आली नसब होटलों में खाना खाने में वो सुरूर कहाँ जो चूल्हे के पास बैठ के माँ के कदमों में खाना खाने में मज़ा मिलता है। ऊंची मस्जिदों में बैठने से वो सुरूर कहाँ जो माँ के पास बैठने में मिलता है। आली जनाब हजरत साहब क्या भारी और भरकम अलकाब दिए जाते हैं
लेकिन लफ्जों में वो चाशनी का जो माँ की जुबान से ओए बबलू ओए मिट्ठू के अंदर रखी है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियाँ खेल उठी। अल्लाह ने उसके सीने में वो दर्द मन दे रखा है कि जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि माँ को औलाद के साथ इतना प्यार क्यों है, इसलिए कि उसने औलाद को जन्म दिया है। जिसने जन्म दिया है उसको इतना प्यार है, तो जिस रब ने खलक किया है उसको कितना प्यार है। मैं कभी अखबार में पढ़ता हूँ कि बास आवारा बच्चे घर से भाग जाते हैं और माँ बाप दिन और रात रो के गुजारते हैं, फिर अखबार में इश्तिहार देते हैं कि इस नाम का हमारा बच्चा घर से निकल गया है, अगर किसी सुने या खुद पढ़े तो वो वापस आ जाए। और साथ वजाहत लिखते हैं कि वापस आ जाए उसे कुछ नहीं कहा जाए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागे हुए इंसान वापस आ जा, तेरा रब करीम है तुझे कुछ नहीं कहते, आ जा उसके हुजूर। आना तो तूने है, फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, फिर जो लोग तुझे उठा के लेके आएंगे अपने कदमों से चल के खुले मुंह आ जा, उसकी रहमतें बढ़ के तेरा इस्तकबाल। तो माँ बाप मोहब्बतों का एक रूप है और माँ बाप के लिए माँ बाप के सीने में औलाद के लिए जो मोहब्बत है और उसका कोई बदल नहीं। इकबाल जैसा शख्स दियार गैर में है कि माँ की वफात की खबर पहुँचती है तो फूट फूट के बच्चों की तरह रोता है। कुलियात इकबाल में आज भी वालदा मरहुमा के नाम से जो नज्म है उसको पढ़े, उसमें उसने मौत व हयात के फलसफे को भी बयान किया है और अपनी माँ के दर्द को भी बयान किया और फिर रोता हुआ कहता है अब वतन में होगा आ किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आरजू लेकर तेरी खाके तुलबत पे आऊंगा अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद करूं, कौन पिछले पैर उठ के दुआ करे। हर एक को कहना पड़ता ना मेरे लिए दुआ करे, शेख को भी उस्ताद को भी आलिम को भी हाजी को भी मोतमिर को भी, लेकिन कभी माँ से भी कहना पड़ा है कभी दुआ करना। माँ के हाथ वैसे उठ जाते हैं और फिर जब माँ के हाथ उठ जाए तो अल्लाह खाली नहीं मोड़ता। और ये लाजमी नहीं कि माँ राबिया बसरिया हो तो फिर उसकी दुआ कबूल होती है। लीपा पोती करती हुई माँ गारे से मरे हुए हाथ भी उठा दे, अर्श की जंजीरों को जुम्बश देने के लिए वो हाथ भी काफी होते। अल्लाह ने माँ बाप को औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बतें अता फरमाई है। तो जब माँ की गोद से बच्चे के छिनने का तसव्वुर आया ना हजरत यूहन्ना सलामुल्लाह अलैह को, जो हजरत मूसा अलैह सलाम की वालिदा माजता है, तो वो घबरा गए। अल्लाह ने उन्हें मूसा के सीने में इल्का किया कि परेशान नहीं होना, इस बच्चे के लिए एक संदूक तैयार करो और दरियाए नील की मौजों के सुपुर्द कर दो, फिर मेरे कुदरत के तमाशे देखो। उन्होंने एक संदूक तैयार किया जिसके बालाई हिस्से में सुराख रखे ताकि हवा और रोशनी की गुजरगाह रहे, और फिर संदूक को दरियाए दजला के सुपुर्द कराए। माँ तो वापस पलट आई क्योंकि उन्हें एक तसली मिली थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा से रहा ना गया, वो दरिया के किनारे किनारे साथ चलती रही। कुरान ने ये सारा मंजर बयान किया। जब वो संदूक डूबने लगता तो बहन का कलेजा भी डूब जाता, और जब वो तैर के सतह आप पे आ जाता तो दुखों की मारी बहन के दिल को करार देता। अल्लाह का करना ऐसा हुआ था कि पानी का बहाव उस संदूक को समत ले गया जिधर फिरौन का महल था। और आप जानते हैं कि फिरौन के यहाँ औलाद नहीं, उसकी जोजा जिसका नाम आसिया है वो गुजरते हुए पानी के लुत्फ से माजूस हो रही थी। उसने पानी के दोष पे एक संदूक आते हुए देखा, तजस्सुस और शौक की चंगारियां रोशन हुई। गोताखोर को कहा संदूक को निकालो, मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या है। जब संदूक निकाला उसको खोला तो क्या देखा कि उसमें एक खूबसूरत बच्चा मुस्कुरा रहा है। बच्चा बचपन में काले रंग का भी हो तो भला लगता है अच्छा लगता है, फिर ये बच्चा भी वो है कि जिसकी पेशानी में नबूवत का नूर भी चमक रहा है। तो बेसाख्ता कहा कि ये बच्चा तो मेरी आंखों की रोशनी है। उलमा कहते हैं नबी के साथ किया गया प्यार रायगा नहीं जाता। अल्लाह ने इस खातून को ईमान नसीब फरमा दिया। फिरौन भी पास खड़ा था, अगर वो भी कह देता हाँ मेरी आंखों की भी ठंडक है, अल्लाह ये ना देखता इसने दावा क्या किया है। नबी के साथ प्यार के बदले में अल्लाह उसको भी हिदायत अता फरमा, खैर उसका मकसूद नहीं था। लेकिन इस बात पे दोनों मुत्तफिक हो गए कि हमारे यहाँ औलाद नहीं, इस बच्चे को हम अपना बेटा बना लेते हैं। अब सबसे पहली फिक्र ये दामन ये हुई कि इसके दूध का इंतजाम किया जाए। मुख्तलिफ दाइयों में लगवाई गई लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते।
अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने उनके लिए हराम कर दिया था कि अपनी माँ के अलावा किसी और खातून का दूध नहीं पिया। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा भी दरिया के किनारे चलती चलती वहाँ आ पहुँची तो कहा कि एक दाई मेरी नज़र में भी है जिसका दूध बच्चे रहबत से पी लेते हैं, अगर कहो तो बुला ना। उन्होंने कहा हमें तो मसला बना हुआ, देर क्यों कर रही है। वो गई और अपनी माँ को ही बुला ला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब दूध पेश किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कबूल कर लिया। फिरौन ने कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, रोज आके इसको दूध पिला जाएगा। फिरौन कहता था मैं वो बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा। रब ने कहा मुझे रब ना कहना अगर तेरे घर में पाल के ना दिखाया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के अलावा किसी और खातून का दूध नहीं पिया। अगर ये नबी की शान है कि वो अपनी माँ के अलावा किसी और का दूध नहीं पीता और ये तख़सीस है नबी के लिए, तो फिर मेरे और आपके अब्बा अबूना ने 8 खवातीन का दूध क्यों पिया, ये एक सवाल है। तो इसके दो जवाब हैं। एक तो ये कि अल्लाह ने इस बहाने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ तक पहुँचाना था, वो दूध भी पिला जाती और अपने बेटे को देख भी जाती। और दूसरी बात यह कि अपनी माँ के अलावा किसी और के दूध पीने में कोई हर्ज नहीं, हत्ता कि भेड़ बकरी के दूध पीने में कोई कबाहत नहीं। बात असल यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर मुख्तलिफ खवातीन का दूध पिया है तो कोई हर्ज नहीं, हुजूर के दादा मुहसम ने उसका पूरा पूरा सिला दिया है, लेकिन फिरौन को सिला कौन देता। कल फिरौन के दरबार में खड़े होकर के अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते तो उसके जेरे लब मुस्करा के कहना था अलम रब्बिका फीना वलीदा, मेरे घर पलता रहा और आज मुझे अकल देने आ गया। उसने ये ताना देना था, अल्लाह ने अपने नबी को जवाब पहले से खा दिया कि जब वो ये ताना दे तो अल्लाह के नबी तू जवाब देना कि मियां मैं पला तेरे घर में हूँ, दूध मैंने अपनी माँ का पिया था। तो जब अपने घर से खा के तब्लीग की जाए तो फिर उसका नतीजा कुछ और हुआ करता है। वो हुजूर की जिंदगी इस बात पे गवाह है, लेकिन इसके बावजूद बात से भी ये बात कहलवा दी गई कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दत फिल कुरबा, ऐ महबूब तुम फरमा दो ऐ लोगों मैं तुमसे तबलीग दीन का कोई सिला तलब नहीं करता, तुम्हारे तक पैगाम पहुंचाया। और फिर आप जानते हैं कि जिन मुश्किल हालात में हुजूर ने लोगों तक बात पहुंचाई हम तो हालात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं अगर कोई बात कर रहा हूं तो आप सुनने के लिए आमाद हैं, आपकी आंखों में मोहब्बत है, आपके चेहरे पे प्यार लिखा हुआ है, तो मैं 3 घंटे भी गुफ्तगू कर जाऊं तो ये मुश्किल नहीं हो। मेरी सहूलत के लिए लाउड स्पीकर भी रखा गया ताकि मुझे ज्यादा जोर से बोलना भी ना पड़े, लेकिन जरा तसव्वुर करें ना कि कितना मुश्किल था जब लोग कानों में उंगलियां ठोंसते थे, गरीब बात ही नहीं सुनी, आगे से पत्थर उठा लेते हैं, गड़े खोदते हैं, कांटे बिछाते हैं, ओझरियां डालते, गले में कपड़ा डाल के ताव देते, लेकिन अल्लाह का नबी रुके अच्छा मियाँ कभी तो उंगलियां निकालोगे, जब निकालोगे तब भी पैगाम दे के जाओ। मकावमतें मुखालफतें नुकता चीनी की आंधियां नामवाफक हालात के चक्कर क्या कुछ नहीं था, ताइफ के बाजारों में क्या कुछ नहीं। उम्मुल मोमिनीन सईद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक दिन मैंने पूछा हुजूर क्या उहद के दिन से सख्त दिन भी जिंदगी में कोई आया। सहाबा का ख्याल था कि उहद के दिन से सख्त जिंदगी में कोई दिन नहीं आया, ये वो दिन था जब 70 सहाबा शहीद कर दिए। और हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा जिनके बारे में हुजूर फरमाए असदुल्लाह व असद रसूल, ये अल्लाह के भी शेर है उसके रसूल के भी शेर है, उनको भी शहीद किया गया, ना सिर्फ शहीद किया गया बल्कि उनका मुसला किया गया, आज़ाए बदनियां काटे गए और उनका हार तोड़ा गया, कलेजा चबाया गया, आंखों में नेज़े चुभोए, हुजूर के सर अनवर पर पट्टी बंधी थी, आंखों में आंसू थे और बार बार कहते थे माफ़ा अला अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ। ये दर्दनाक दिन है तारीख इस्लाम में।